साल 2023 का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का पूरे संसार के क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हर 4 साल के लंबे गैप के बाद हमें यह शानदार इवेंट देखने को मिलता है। और अब की बार होने वाला वर्ल्ड कप और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार बीसीसीआई पूरे के पूरे टूर्नामेंट को भारत में होस्ट करने के लिए जा रहा है। और फाइनली जस्ट अभी कुछ देर पहले ही आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के रिगार्डिंग आईसीसी ने पूरा कार्यक्रम रिवील कर दिया है। और इस वीडियो में आपको वर्ल्ड कप 2023 से जुड़ी ए टू जेड हर इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जहां पर हम जानेंगे स्टार्टिंग डेट, शेड्यूल, वेन, न्यूज, टाइमिंग, टेलीकास्टिंग, लास्टिंग डिटेल्स और साथ ही साथ पाकिस्तान की टीम के साथ जो इश्यू चल रहा है उसके ऊपर भी बड़ा अपडेट निकल कर आया है। सभी अपडेट्स को हम वन बाई वन पूरी तरह से एनालिसिस करने वाली है, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए। वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान टीम के इश्यू के बारे में। तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी से कुछ टाइम पहले ऐसा बोला था कि यदि यहां पर एशिया कप खेलने के लिए भारत की टीम पाकिस्तान के दौरे पर नहीं जाती है और एशिया कप की होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से छीन जाते हैं, तो ऐसे में यहां पर वर्ल्ड कप 2023 में पार्टिसिपेट करने के लिए पाकिस्तान की टीम भी भारत के दौरे पर नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों फाइनली वह जो मैटर था वह पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो चुका है। डेफिनेटली अब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप 2023 में पार्टिसिपेट करने के लिए भारत के दौरे पर आने वाली है। बात करते हैं अगले अपडेट की, तो अपडेट निकल कर आ रहा है टूर्नामेंट के फॉर्मेट को लेकर, जहां पर भी आप सभी को पता है कि ओडीआई फॉर्मेट में हमें यह शानदार टूर्नामेंट देखने को मिलेगा, जहां पर सभी 10 टीमें यहां पर पार्टिसिपेट करेंगी। 10 की 10 टीमें लीग स्टेज में आमने सामने होंगी, टॉप 4 टीमें यहां पर सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई करेगी, देन हमें यहां पर फाइनल महामुकाबला देखने को मिलने वाला है। वर्ल्ड कप 2023 के दौरान कुल 48 मैचेस खेले जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं टीमों के बारे में, तो मैंने आप सभी को बताया कि 10 टीमें यहां पर पार्टिसिपेट करने वाली है। सुपर 10 फॉर्मेट में टूर्नामेंट होगा, जिनमें 8 टीमें यहां पर डायरेक्ट क्वालिफाई करेगी। 2 टीमों को क्वालिफाई करने के लिए क्वालिफायर मैचेस खेलने पड़ेंगे, लेकिन दोस्तों फाइनली 8 में से 7 टीमों के नाम यहां पर तय हो चुके हैं, जो वर्ल्ड कप में ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, जिनके लिस्ट को आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पाएंगे, जहां पर आपकी भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीम ऑलरेडी यहां पर क्वालिफाई कर चुकी है। 1 टीम और यहां पर सुपर 8 में क्वालिफाई करेगी, वो आपकी श्रीलंका हो सकती है, वो आपकी वेस्ट इंडीज हो सकती है, वो आपकी साउथ अफ्रीका हो सकती है। थोड़ा सा सस्पेंस यहां पर जरूर जारी है, लेकिन दोस्तों आने वाले कुछ महामुकाबलों के बाद सुपर 8 की 8 टीमें यहां पर तय हो जाएंगी और उसके बाद जो नीचे की टीम बच जाएंगी उनको यहां पर क्वालिफाई करने के लिए, टॉप 2 में जाने के लिए यहां पर अपने क्वालिफायर मैचेस खेलने पड़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं शेड्यूल एंड वेन्यूज के बारे में, तो मैंने आपको बताया कि भारत में पूरा का पूरा टूर्नामेंट होने के लिए जा रहा है, जहां पर भारत के 10 अलग-अलग स्टेडियम्स में हमें इस शानदार टूर्नामेंट के सभी महामुकाबले देखने को मिलने वाले हैं। आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि शेड्यूल तो यहां पर अभी तक रिवील नहीं किया गया है, लेकिन स्टार्टिंग डेट को लेकर बड़ा अपडेट हमें देखने को मिला है। पहले ऐसा अपडेट था कि भाई हमें यहां पर एंड ऑफ अक्टूबर से टूर्नामेंट की शुरुआत देखने को मिलेगी, लेकिन अब यह कंफर्म किया जा चुका है कि मिड ऑफ अक्टूबर से 14 अक्टूबर या फिर 15 अक्टूबर से इस शानदार टूर्नामेंट का आगाज भारत में होने वाला है। वही इस टूर्नामेंट का फाइनल महामुकाबला हमें नवंबर के मिड में देखने को मिलने वाला है। लाइव टेलीकास्टिंग डिटेल्स के बारे में हम बात करते हैं, इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट को भारत में स्टार स्पोर्ट्स टेलीकास्ट करने वाला है। स्टार स्पोर्ट्स के जितने भी चैनल्स हैं सभी चैनल्स पर हमें अलग अलग भाषाओं में इसकी लाइव टेलीकास्टिंग देखने को मिलने वाली है। मोबाइल टेलीकास्टिंग डिटेल्स अभी तक रिवील नहीं की गई, लेकिन सोर्सेस क्लेम करेंगे भाई जियो सिनेमा यहां पर बाजी मारने वाला है। तो दोस्तों ये बड़े अपडेट्स वर्ल्ड कप 2023 के रिगार्डिंग निकल कर आ रहे हैं। इन सभी अपडेट्स के ऊपर आपके क्या ओपिनियन, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की स्टूडियो में इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब करके इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।